हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने फ़ोन की प्राइवेसी कैसे मेंटेन करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आपको एक एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊंगा, लियो प्राइवेसी गार्ड। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन वो पुराने वर्जन में थे। इन्होंने नया वर्जन जो है अपनी एप्लीकेशन का लॉन्च किया हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशंस को जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम लॉक कर सकते हैं, अपने जितनी भी हमारे प्राइवेट कन्वर्सेशन हैं हम उनको लॉक कर सकते हैं, अपने इमेजेस को जो हमारी पर्सनल हैं हम उनको लॉक कर सकते हैं। वाईफाई सिक्योरिटी से संबंधित भी इन्होंने कुछ ऐड किया हुआ है, और साथ ही साथ अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो उस केस में भी आप इन्होंने इसमें कुछ फीचर ऐड किए हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका फ़ोन कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन उसको एक्सेस कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इनकी जो वेबसाइट है ये यहां पर देखिए, leomaster.com। आप यहां पर से इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं जो भी आपने यहां पर जानना है। उसके बाद इनका एक YouTube चैनल है, अगर आप जानना चाहें इनके बारे में तो यहाँ पर से भी आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनका देखिए ये Facebook पेज है, इस Facebook पेज में ये क्या करते हैं, डेली अपने कॉन्टेस्ट डालते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इनका पेज लाइक किया हुआ है तो आपको इनके कॉन्टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको यहाँ से प्राइज भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम एंड्रॉयड फोन में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है जो इन्होंने नया वर्जन लॉन्च किया हुआ है। तो देखिए, हम एंड्रॉयड फ़ोन में आ गए हैं। आपने क्या करना है, अगर आपके उसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने गूगल प्ले में जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका ये आइकन है, आप इसको लॉन्च कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर से इसको लॉन्च कर देता हूँ। जैसे ही लॉन्च करेंगे तो यहाँ पर से ये पासवर्ड डालने को बोल रहा है जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है, हम इसको यहाँ पर से पैटर्न डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इन्होंने नया इसका जो इंटरफेस है, इंटरफेस में भी इन्होंने चेंज किया हुआ है, तो हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐप लॉक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में आपको बताऊँगा, और अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उस केस में आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपके उसमें कोई आपको आपके फ़ोन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी फ़ोटो जो है वो भी खिंच जाएगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इनके सेफ बॉक्स के बारे में बताऊंगा जो यहाँ पर इसके अंदर है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऐप लॉक के अंदर। ऐप लॉक के अंदर जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोड्स की। तो मोड्स में यहाँ पर से हम जैसे मोड्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके उसमें बाय डिफॉल्ट दो मोड्स होते हैं, एक गेस्ट होता है और एक होम होता है। तो आप यहाँ पर से एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि गेस्ट मोड में आप कौन कौन सी एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई आपसे फोन मांग रहा है और आपने उसमें आप उसको फोन दे रहे हैं, और लेकिन उसके साथ आप नहीं चाह रहे हैं कि वो आपकी कुछ एप्लीकेशन यूज करे, जैसे आप व्हाट्सएप को ब्लॉक कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन आप गेस्ट मोड में उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे वो आपकी जो एप्लीकेशन आप चाह रहे हैं उसको वो नहीं देख पाए। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर से हम बैक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐप कवर है। कवर में क्या है, ऐप कवर का मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। इसका मतलब होता है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर से एरर वाले में क्लिक करा, ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी। जो भी एप्लीकेशन आपने लॉक कर रखी होगी उस एप्लीकेशन को अगर कोई खोलना चाहता है तो उसको ये मैसेज दिखेगा, ठीक है, सॉरी, और उसके बाद एप्लीकेशन का नेम और हैज स्टॉप्ड, और अगर वो इसको क्लोज करेगा तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, वो खुलेगी नहीं। और जब इसको खोलना होगा तो उसके लिए आपको सिर्फ आपको पता होगा कि इसको यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक स्वाइप करना है। क्लोज बटन में क्लिक करेगा तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर को स्वाइप करेगा तो यहाँ पर से ये एप्लीकेशन खुल जाएगी। तो यहाँ पर से मैं इसको एक बार टेस्ट करने को बोलता है, आप इसको टेस्ट करके चेक कर लीजिए, ठीक है, चेक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर से आप यहाँ पर से स्वाइप करिए तो इसको पता चल जाएगा कि आपको आ गया। अगर आपने इसको इनेबल करना है तो यहाँ पर से इनेबल में क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने इसको इनेबल कर दिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी एक एप्लीकेशन को लॉक कर देते हैं। हम यहाँ पर से गए मोड्स में, गए हमने कौन सा मोड सेलेक्ट कर रखा है, गेस्ट कर रखा है। अब हम यहाँ पर से एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर से सेटिंग्स को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सेटिंग सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पर से बैक आए, और जैसे हम यहाँ पर से सेटिंग्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये देखिए सॉरी सेटिंग्स हैज स्टॉप, तो ये मैसेज आ गया। अगर वो इसमें क्लोज में क्लिक करेगा तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। कोई भी एप्लीकेशन हो आप उसको लॉक कर सकते हैं। फिर से अगर सेटिंग में हम गए और उसके बाद यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, इसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक का स्वाइप करना होगा। तो यहाँ पर से हम इसको स्वाइप करते हैं, तो जैसे ही स्वाइप करा तो यहाँ पर से देखिए एप्लीकेशन जो है उसके बाद ये पैटर्न लॉक मांग रहा है, आप यहाँ पर से पैटर्न लॉक डाल दीजिए। तो जैसे ही पैटर्न लॉक डाल देंगे, क्योंकि पैटर्न लॉक आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर से देखिए आपको सेटिंग की एक्सेसिबिलिटी हो चुकी है। तो ऐसे करके सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर इसमें लग जाती है।
तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐप कवर यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जिसको भी यूज़ करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास एक थीम्स का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप गूगल प्ले से यहाँ पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लोकल में अगर आपने डाउनलोड कर रखी होगी तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, जैसे लोकल में अभी इसके पास एक ही थीम जो है, अगर आपने ऑनलाइन यहाँ पर से डाउनलोड करनी है तो आप गूगल प्ले से यहाँ पर से बहुत सारी अच्छी अच्छी इनके पास थीम्स अवेलेबल हैं, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर से लोकल में ये आ जाएंगी, जब आ जाएंगी तो यहाँ पर से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वाईफाई सिक्योरिटी है, वाईफाई सिक्योरिटी में ये आपका क्या करेगा, जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन है वाईफाई का उसको ये चेक करेगा कि ये आपके लिए सिक्योर है या नहीं है। तो आप यहाँ पर से क्लिक करेंगे इसमें, तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कनेक्शन चेक कर रहा है और सेकेंडरी एक्सेस चेक कर रहा है, SSL चेक कर रहा है, राउटर सेफ्टी चेक कर रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पर टिक कर दी थी, उसके बाद यहाँ पर से ये ओके हो गया, इसका मतलब आपका वाईफाई कनेक्शन जो है वो सेफ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक एंटी थेफ्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, इन केस अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी अपने फैमिली मेंबर का नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और जब भी आपका फोन चोरी होगा तो जो आपका नंबर है जो आपने ऐड कर रखा है उसके पास एक मैसेज चला जाएगा। एंटी थेफ्ट में हमने क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर से नेबल नाउ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से ये आपको नंबर डालने को बोलेगा, आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर का या जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, इन केस अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो इसके पास एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी अपना जो फोन है जो आपका खोया हुआ है आप उसको क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, उसकी लोकेशन आप पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है, और उसमें अगर आपने कोई अलार्म बजाना है तो अलार्म बजा सकते हैं, अगर कोई आपने अलर्ट ऑफ करना है तो आप उसको भी यहाँ पर से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, आप इसको अप्लाई करके देखिए, अगर आपके उसमें आपसे ये नहीं हो रहा है तो उसके बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसके लिए एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो मुझे इसमें सबसे अच्छा फीचर जो इन्होंने नया डाल रखा है ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है, ब्रेक इन अलर्ट। इसमें इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर देखिए ये भी बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो होगा ये कि जो भी आपका पैटर्न लॉक है, अगर वो पैटर्न लॉक कोई एक्सेस करना चाह रहा है तो वो क्या होगा, तीन बार अगर उसने पैटर्न लॉक आपका गलत डाल दिया तो उसकी फोटो जो है वो खिंच जाएगी और आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो मैं भी आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये सेटिंग है, सेटिंग मैंने एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जैसी सेटिंग एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर से पैटर्न पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर से पैटर्न इसमें गलत डाल देता हूँ। ठीक है, एक बार मैंने गलत डाल दिया, दूसरी बार मैंने गलत डाल दिया और तीसरी बार भी मैंने गलत डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से एप्लीकेशन में आते हैं, यहाँ पर से एप्लीकेशन में आए और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर से पैटर्न हमने सही डाल दिया। ठीक है, तो जैसे पैटर्न सही डाल दिया तो यहाँ पर देखिए जो इमेज है ये इमेज यहाँ पर इसने खींच दी है, आपका फोन एक्सेस कर रहा होगा उसकी यहाँ पर इमेज आपको दिख जाएगी। अभी ये मेरी इमेज इसमें इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं अपने मेरे हाथ में अभी फोन नहीं है, फोन मैंने नीचे रखा हुआ है, तो ये इसलिए छत की फोटो आ रही है। तो ऐसे करके जो भी आपका फोन एक्सेस करना चाह रहा होगा और वो अगर पैटर्न लॉक गलत डाल देगा तीन बार तो उसकी फोटो यहाँ पर खिंच जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर से क्रॉस में क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है, जो अभी ये रेड कलर का हो रहा है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर यहाँ पर से हमने इसको जितनी ज्यादा हम एप्लीकेशन को लॉक करेंगे, मतलब जितनी ज्यादा हम प्रोटेक्शन इसमें लगाएंगे उतना ये इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। अभी हमने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन लॉक कर रखी है और कुछ इमेजेस लॉक कर रखी है, इसलिए हमें ये बता रहा है कि हमारा जो प्राइवेसी स्टेटस है वो 4 है। अगर आपने इसको रिजॉल्व करना है तो आप यहाँ पर से रिजॉल्व नाउ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको सारी एप्लीकेशन दिखा देगा जिनको आप लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप को ये लॉक करे, अगर आप यहाँ पर ऐप लॉक ऐप्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इन सारी एप्लीकेशन को लॉक कर देगा, और आप नहीं चाह रहे कि इन एप्लीकेशन को लॉक करना तो आप यहाँ पर से इनको डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक ऐप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्राइवेसी स्कैन अब ये कर रहा है, तो यहाँ पर से देखिए आप येल्लो हो गया है। हम इसमें अगर आप और भी एप्लीकेशन लॉक करना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर से फोटोज हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसे फिर इसका देखिए जो इसका प्राइवेसी स्टेटस है ये यहाँ पर से बढ़ जाएगा, देखिए अब ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपको आपके प्राइवेसी स्टेटस के बारे में भी बताता है कि आपका प्राइवेसी कितनी बरकरार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा यहाँ पर, इसमें आपने क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेव बॉक्स है, सेव बॉक्स का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी कोई पर्सनल या प्राइवेट इमेजेस हैं आप उनको भी यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड फोटोज में मैं जाता हूँ, हाइड फोटोज में गए तो यहाँ पर देखिए मैंने इन फोटोज को हाइड कर रखा हुआ है। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर से जाते हैं, अगर आपने इसमें और फोटोज ऐड करनी है तो यहाँ पर से आप ऐड में क्लिक करेंगे और जो भी इमेजेस आपके उसमें होंगी, जैसे मैं यहाँ पर से स्क्रॉल करता हूँ नीचे, यहाँ पर से कोई इमेज हम क्या करते हैं हाइड कर लेते हैं, तो ये वाली इमेज हम हाइड करते हैं, हाइड में क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर से ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये गैलरी से जो इमेज है ये हट गई। देखिए यहाँ पर गैलरी में अब चार ही इमेज रही हैं और हमारी जो लियो सिक्योरिटी गार्ड है उसमें यहाँ पर से जो ये है इमेज यहाँ पर आ चुकी होगी। ये देखिए यहाँ पर इमेज जो है आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी पर्सनल या प्राइवेट जो भी इमेजेस हैं उनको भी आप यहाँ पर से हाइड कर सकते हैं। और अगर आपने इसको अनहाइड करना होगा तो आप यहाँ पर से अनहाइड में क्लिक करेंगे, अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर से डिलीट भी कर सकते हैं। और सेम केस यहाँ पर वीडियो का भी है, अगर आप यहाँ पर से वीडियो हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से वीडियोस भी अपने आसानी से हाइड कर सकते हैं। इसीलिए ये इनका जो स्लोगन है वो क्या है, ऑल सीक्रेट ऑल सेफ। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ सीक्रेट है और सब कुछ सेफ है। आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आपके फोन से चुरा नहीं सकता, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके फोन से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, लियो प्राइवेसी गार्ड का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.0, ये काफी बढ़िया वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है, इसमें काफी इन्होंने फीचर डाले हुए हैं। अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।